Hello guys, welcome back to my SAP FICO sessions. Okay, so guys, आज का जो टॉपिक है दैट इज प्रॉफिट सेंटर. ओके, सो प्रॉफिट सेंटर एक बहुत इंपॉर्टेंट, देखो होता क्या है, बेसिकली प्रॉफिट सेंटर जो है दैट इज पार्ट ऑफ कंट्रोलिंग. बट जब से न्यू जीएल कॉन्सेप्ट आया है, तो न्यू जीएल कॉन्सेप्ट जब हम अलग अलग रिपोर्टिंग करते हैं, रिपोर्टिंग पर्पज के लिए हमें प्रॉफिट सेंटर चाहिए होते हैं. भाई प्रॉफिट सेंटर के हिसाब से ही हम सारी अपनी प्लानिंग्स वगैरह करते हैं. ठीक है, सो तो पैरेलल अकाउंटिंग और जो न्यू जीएल कॉन्सेप्ट, वहां जाने से पहले हमें अब कंट्रोलिंग एरिया क्रिएट करना पड़ेगा. और प्रॉफिट सेंटर बेसिकली जो हम क्रिएट करते हैं ना टू जज ना, लेट्स से कंट्रोलिंग भी जब हम करते हैं, देखो कंट्रोलिंग में डेटा कहाँ से आता है, कंट्रोलिंग एरिया इज जो होता है फर्स्ट हायर की होती है, और एफआई का जो सबसे मेन होता है वो दैट इज कंपनी कोड. तो उस कंपनी कोड से जितना भी डेटा होता है वो कंट्रोलिंग एरिया में जाता है. उस कंट्रोलिंग एरिया से फिर हम डिफरेंट डिफरेंट सेक्शंस के डिफरेंट डिफरेंट एरिया के रिपोर्ट्स निकालते हैं. जैसे कि मुंबई लोकेशन है, अब मुंबई लोकेशन में एचआर में कितना खर्चा हुआ, फाइनेंस में कितना हुआ, तो उसके हम अलग अलग प्रॉफिट सेंटर ग्रुप बना सकते हैं, प्रॉफिट सेंटर्स बना सकते हैं. उसके हिसाब से भाई इस प्रॉफिट सेंटर में कितना लॉस हुआ, कितना पैसा आया, वो सर हम कैलकुलेट कर सकते हैं. तो दैट इज प्रॉफिट सेंटर. ओके, सो प्रॉफिट सेंटर हम कॉन्फिगर कैसे करते हैं, लेट मी लॉग इन टू एसएपी सिस्टम. तो सबसे पहले जो चीज हमें क्रिएट करनी है दैट इज प्रॉफिट एसपीआरओ एसएपी रेफरेंस आईएमजी एंड कंट्रोलिंग अंडर कंट्रोलिंग हमें जाना है जनरल कंट्रोलिंग, और जनरल कंट्रोलिंग के अंदर लेट मी डू वी हैव ये सब तो हम उसमें करेंगे. सो नाउ इन ऑर्गेनाइजेशन मेंटेन कंट्रोलिंग एरिया. ओके, सो यहाँ पर कंट्रोलिंग एरिया में आते हैं, मेंटेन कंट्रोलिंग एरिया पे जाते हैं, और न्यू एंट्री करके अपना एक कंट्रोलिंग एरिया बनाते हैं. तो मैं इसका नाम भी सीधे GMOT ही रख लेता हूँ. ठीक है, एंड गौरव मोटर्स कंट्रोलिंग ठीक है, पर्सन रिस्पॉन्सिबल. अब सी कंट्रोलिंग एरिया सेम एस कंपनी कोड, तो आप ये चूज कर सकते हो. अगर क्रॉस कंपनी कोड के लिए आप यूज करना चाहो तो फिर क्रॉस कंपनी कोड के लिए भी इसको यूज कर सकते हो. ठीक है, सो नाउ तो हम यहाँ कंट्रोलिंग एरिया सेम एज कंपनी कोड मैंने चूज कर लिया है, एंड करेंसी टाइप जैसे मैं एंट्री करूंगा ये कंपनी कोड से ही पिक कर लेगा. ठीक है, चार्ट ऑफ अकाउंट हमारा GCOE, फिस्कल ईयर हमारा हमने क्या बनाया था एक्चुअली आई डोंट रिमेम्बर, आई हैव टू गो टू एसपीआरओ रेफरेंस आईएमजी. लेट मी डू वन थिंग, आई विल क्लिक ऑन एंटर. करेंसी टाइप 10 करेंसी INR एंटर. फिस्कल ईयर लेट मी आई विल चेक फाइनेंशियल अकाउंटिंग लेजर्स फिस्कल ईयर इंपोस्टिंग पीरियड यस GMOT सी 1F. ओके, सो 1F इज इसके लिए, सो 1F एंड हियर आई विल गिव लेट्स से कंट्रोलिंग कॉस्ट सेंटर स्टैंडर्ड हायर के गौरव लेट्स से GMOT अंडर लेट्स से स्टैंडर्ड हायर. ओके, ये डाल दिया है. And for reconciliation document type, we can say, let's say, essay enter. So, हमारा जो एक proper controlling area है वो create हो गया है. ठीक है, controlling GMOT controlling area, same as company code, currency type 10 and INR, GCO, IF. ये हमने भी स्टैंडर्ड हायरार्की अपना बना लिया है. और डॉक्यूमेंट टाइप आप इस रिकंसिलेशन लेजर के लिए आप डाल सकते हो, बट अगर नहीं डालना चाहते तो हम इसको हटा भी सकते हैं. ठीक है ना, सो नाउ क्लिक ऑन सेव टैब. यस, सेव. नाउ आई हैव टू असाइन दिस कंट्रोलिंग एरिया टू माय कंपनी कोड. तो यहां पर आएंगे न्यू एंट्रीज
एंड GMOT एंटर, और ये डिस्कशन असाइन हो गया। नाउ अब मेरे को प्रॉफिट सेंटर जो कंट्रोलिंग एरिया है, कंट्रोलिंग के बहुत सारे एस्पेक्ट्स होते हैं, बहुत सारे अलग अलग ऑप्शंस होते हैं, वो एक्टिवेट करने पड़ते हैं। सो वो एक्टिवेट कंपोनेंट्स के अंदर जाएंगे, न्यू एंट्री में क्लिक करेंगे। अब लेट्स से फिस्कल ईयर 2021, ठीक है। अब कौन कौन सा, कॉस्ट सेंटर भी एक्टिव नहीं है, एसेट अकाउंटिंग एक्टिव नहीं है, बट मेरे को क्या करना है, मेरे को प्रॉफिट सेंटर ऑन करना है, ये कॉस्ट सेंटर भी एक्टिव करना है, ठीक है। बाकी अभी जितनी भी चीजें प्रॉफिट एनालिसिस ये कंट्रोलिंग के अंदर आते हैं, ठीक है ना। तो हमने मेन मेन चीज जो मेरे को चाहिए थी वो मैंने कर ली, प्रोजेक्ट्स हो गया, सेल्स ऑर्डर हो गया, कॉस्ट ऑब्जेक्ट्स हो गए, ये मैंने ऑन कर लिए फॉर ऑल करेंसीज एंड क्लिक ऑन सेव। अगर आपने कंट्रोलिंग एरिया बनाया और ये प्रॉफिट सेंटर अकाउंटिंग एक्टिवेट नहीं करी तो फिर आप नहीं कर पाओगे, ठीक है ना, फिर वो वहां पर प्रॉफिट सेंटर नहीं बनेगा। तो ये दिस इज द मेन एरिया जहां से हम सारी चीज एक्टिविटी ऑन करते हैं। तो मैंने यहां से ऑन कर दिया एंड हमारा प्रॉफिट सेंटर ऑन हो गया। अब नेक्स्ट स्टेप जो हमारा है वो है स्लैश एंड कंट्रोलिंग एरिया को एक्टिवेट करना। सो फॉर अकाउंटिंग, फाइनेंशियल अकाउंटिंग, वी हैव लेजर्स, वी हैव मास्टर डेटा अंडर प्रॉफिट सेंटर। सो सेट कंट्रोलिंग एरिया, ये क्लिक करेंगे तो हमारा कंट्रोलिंग एरिया GMOT है, इसको हमें ऑन करना है और ये हो गया हमारा, ठीक है। सेव। सो हमारा जो कंट्रोलिंग एरिया GMOT सेट हो गया है। नाउ अब चलते हैं वापस कॉन्फ़िगरेशन के लिए, स्लैश एंड एंटर SPRO SAP रेफरेंस IMG, और हम चलते हैं अपना कंट्रोलिंग, वेट, सी गाइस, ओके। सो फाइनेंशियल अकाउंटिंग, लेजर अकाउंट, मास्टर डेटा, प्रॉफिट सेंटर। अब डिफाइन प्रॉफिट सेंटर स्टैंडर्ड हायरार्की इन कंट्रोलिंग एरिया, ओके। सो यहां पर हमें सर्च करना है अपना GMOT, और यहां पर हम लेट्स से GMOT STDHI एंटर सेव। तो हायरार्की में हमने क्रिएट कर दी है। Now next step is to define standard hierarchy. यहाँ क्लिक करते हैं। अब यहाँ पर हम अपनी hierarchy का proper configuration करने चलते हैं। So let's say GMOT standard hierarchy, ठीक है। Now इसके अंदर lower level create करते हैं और one more, दो lower level हम create कर लेते हैं और यहाँ पर हम डाल देते हैं let's say profit सेंटर GRP1, ठीक है, एंड प्रॉफिट सेंटर GRP2। तो दो हमारे बन गए, तो प्रॉफिट सेंटर ग्रुप वन, एंड इसी को कॉपी कर लेते हैं एंड यहां पर पेस्ट करते हैं, इसको टू डाल लेते हैं। अब इनके अंदर लोअर लेवल क्रिएट करते हैं, तो यहां पर हम डाल देते हैं मुंबई एंड मुंबई, ओके। और एक और इसके अंदर लेते हैं लोअर लेवल, ठीक है। सो यहां पर लेट्स से पुणे
ठीक है, ऐसे ही आप नीचे जो ग्रुप है इनके अंदर भी जैसे दिल्ली का ना लिया तो नोएडा गुड़गांव ऐसा बना सकते हो। तो इस तरह से आपको जितनी भी आपकी हायर की है उसके अंदर आप सेम लेवल पे लोअर लेवल पे आप यहाँ सिलेक्ट करके बना सकते हो, उसके बाद आपको करना पड़ेगा यहाँ पर से। सो ये हमारा हायर की का पूरा पैटर्न बनता है। अब इसके अंदर मुंबई के अंदर एचआर डिपार्टमेंट, ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट, पुणे के अंदर वो डिपार्टमेंट, फिर उसके अंदर आप क्या कहते हैं उसके पुणे के अंदर भी तीन चार लोकेशन होंगी है ना, तीन चार ऑफिस होंगे, जैसे हम गुड़गांव में भी जाते हैं नोएडा में, तो दिल्ली एनसीआर के अंदर नोएडा की इतनी सारी बिल्डिंग्स है, इवन नोएडा 62-63 के अंदर भी तीन चार बिल्डिंग आपके आईबीएम की आ जाती है, तो बहुत सारी बिल्डिंग्स हैं, अलग अलग लोकेशन है, आप उन लोकेशन के हिसाब से आपको एंटर करना पड़ता है। नाउ गाइस इसके बाद जब ये आपका बन जाता है तो इसके बाद फिर आप अपना प्रॉफिट सेंटर्स क्रिएट कर सकते हो, ठीक है। सो हम चलते हैं यहाँ पर, एंड जब प्रॉफिट सेंटर आपको क्रिएट करने हैं तो आप यहाँ पर आके अंडर फाइनेंशियल अकाउंटिंग और आप लेट्स से ठीक है प्रॉफिट सेंटर्स में आ गए, तो लेट्स से इंडिविजुअल प्रोसेसिंग एंड हम यहाँ पर आके एक कस्टमर क्रिएट वो हम क्रिएट करते हैं, लेट्स से प्रॉफिट वन या फिर PCA1 एडमिन, ठीक है ना, एंड क्लिक ऑन एंटर। आप कॉपी भी कर सकते हो इससे अगर करना, यहाँ पर आके आप नाम डाल दोगे प्रॉफिट एडमिनिस्ट्रेशन मुंबई, ठीक है, एंड इसको ही हम कॉपी कर लेते हैं यहाँ पर, यहाँ पेस्ट कर लेते हैं एंटर, एंड पर्सन रिस्पॉन्सिबल लेट्स से गौरव एंड प्रॉफिट सेंटर ग्रुप, अब यहाँ पर हम अपना डाल किस प्रॉफिट सेंटर ग्रुप के अंदर ही आ रहा है, तो हमारे साथ हम प्रॉफिट सेंटर मुंबई चूज कर लेते हैं। सेगमेंट आपका है, डिपार्टमेंट आपका लेट्स से एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट है, आपका कंपनी कोड्स है ना, यहाँ पर कंपनी कोड ऑलरेडी आ गया है, इसका जो एड्रेस है आप एड्रेस यहाँ पर फिल कर सकते हो, प्रॉपर एड्रेस आ जाएगा, कम्युनिकेशंस हो गए, हिस्ट्री के बीच में कुछ भी किसने कुछ किया सारा यहाँ पर उसका मास्टर आ जाता है, ठीक है ना, ऐसे आप सेव कर लोगे और आपका प्रॉफिट सेंटर क्रिएट हो जाते हैं, ठीक है। सी सेगमेंट फील्ड्स वन मोर एंटर, अब जब ये आपका आ गया इसके बाद आपको करना है एक्टिव करना है, ठीक है, नाउ एक्टिवेटेड, अब आपका प्रॉफिट सेंटर क्रिएट हो गया। तो इसी तरीके से आपको मल्टीपल अपने प्रॉफिट सेंटर्स क्रिएट करने पड़ेंगे, है ना, मुंबई पुणे, अब उसको फिर हम वहां पर जब रिपोर्टिंग हम जब स्प्लिटिंग करते हैं प्रॉफिट सेंटर अलग अलग डालेंगे, भाई ये खर्चा वहां का, ये खर्चा वहां का, इसलिए हम इसको यूज कर सकते हैं। तो दिस इज हाउ वी क्रिएट कॉन्फिगुरेशन, वी डू कॉन्फिगुरेशन एंड एज एंड यूजर वी क्रिएट प्रॉफिट सेंटर इन SAP सिस्टम, ओके। अब इनके अंदर कुछ भी आपको चेंज करना है तो यहाँ पर सारे ऑप्शन है, यहाँ से आप चेंज कर सकते हो, सिर्फ डिस्प्ले होगा डिलीट करने के लिए, यहाँ से नॉर्मल डिलीट तो हम करते नहीं है, यहाँ से कर सकते हो कलेक्टिव, यहाँ से आप मास्टर डेटा पूरा इकट्ठे अपलोड करके सारा लेके आ सकते हो, ठीक है, किसी के अंदर इकट्ठे आपको चेंजेस करने हैं कुछ करना है, ठीक है। सो दिस इज हाउ वी क्रिएट प्रॉफिट सेंटर इन SAP सिस्टम एंड all we have to do all the configuration which I've told you, know, for the before creating profit center we have to do all the configuration which we did, okay. So guys agar aapko ye video pasand aayi hai to please subscribe kare, share kare, har bar yahi bolta hu bas, it's up to you guys, hai na, to share karo agar aapko pasand aata hai to, definitely, okay, bye bye, take care.